डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर मजली रखे खनियारा डोलखड फिर वो है नाम याद आ रहा डोलखड है और मेहतापुर सर जी कौन लोग हैं। हाँ जी कौन लोग हैं जो वहाँ से माल उठा रहे हैं जो आप बता रहे हो मिट्टी उठा के लेके जा रहे हैं। सर जो ये रोड बन रहा है ना तो वो वाले सर मुझे इतना सर हम डिमांड करते हैं कि इनका रास्ता बार बार से होना चाहिए। सर मिट्टी जो है 10-10 फीट की इन्होंने परमिशन ली हुई है 300-300 फीट ये उठा रहे हैं तो सर इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हरियाली दिनों दिन खत्म होती जा रही है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करने सर? हम मांग ये करने आए हैं कि ये बंद होने चाहिए, ये रोड पे नहीं चले। हमारा रोड इतना खराब हो चुका है ना, हम स्कूटी बाइक पे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, इतना खराब रोड है। हम चाहते हैं कि एक बार जाके ये मौका देखे वहाँ पे। आज ये जो डेपुटेशन हमारे गांव से आया है, ये 10-15 गांव के लोग जहाँ पे आए हुए हैं बहुत ही परेशान हैं। ये परेशान है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ये परेशान है माइनिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि इन्होंने धांधली मचाई हुई है गांव में। जिन्होंने जो सायर ठेकेदार जहाँ पे जिन्होंने जिनको इन्होंने परमिशन दी है, ये बिल्कुल गलत है। जो परमिशन दी है जिस खसरा नंबर से दी है उस खसरा नंबर को इन्होंने अनदेखा किया और जहाँ पे सरकारी जमीन को लूटते हुए, सरकारी जमीन को लूट के ले गए, जो भद्रवादी को लूट के ले गए, नाले को लूट के ले गए, रास्ते तबाह कर दिए, एनवायरमेंट को तबाह कर दिया, जो हमारे जो प्राणी वहाँ पे दृष्ट थे सबको तबाह करते हुए ये डेवलपमेंट के नाम पे हमारे कठुआ को लूट रहे हैं। तो मैं आज जो 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 डेपुटेशन है ये हमारे रखेल से, ये कनियाड़ा से, ये पटियाली से, ये सोला से, ये दिलवा से, ये जितने भी जहाँ मुदापर से सारे 15-20 गांव के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ की ठेकेदारे हुई बहुत ही मनमानी के तरीके से रिवॉल्वर दिखा के, ये हमारे कुछ नौजवानों को रिवॉल्वर दिखा के और डिपार्टमेंट की नोक पे ये रात को पूरी रात 200-200-300-300 जो डंपर हैवी लोडेड व्हीकल्स जहाँ पे आती है तो उनके लिए इतनी तबाही मचाई हुई है। ये मिली वक्त हमारे प्रशासन की है तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो आज जितने भी लोग परेशान हैं हम लोग ये चाहते हैं कि इनका जो रोड है मंजरी टू मगरखट, ये डीसी कठुआ ये हमें लिखता ऑर्डर दे, वो डीसी कठुआ ये लिखे कि ये मंजरी टू मगरखट जो इनका जो रोड है ये रोड हैवी मोटर व्हीकल उधर से जाए, क्योंकि हमारी माताएं परेशान है, हमारे लोग परेशान है, जो वहाँ पे आम लोग जनजीवन इनका बिल्कुल दोस्त है। तो मैं आपके माध्यम से बताएंगे कि ये जो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मेगा कंपनी के नाम पे कोई डेवलपमेंट के तौर पे कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। ये डीसी कठुआ का भी आर्डर है कि डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है जो हमारा पर्यावरण, जो एनवायरमेंट, जो वहाँ पे जो वाटर बॉडी को इन्होंने तबाह किया है, जो नाले तबाह किए हैं, जो इन्होंने जो पोल्यूशन इतना फैलाया हुआ है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे रखना चाहिए, कठुआ ने देखना चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएम ने वहाँ पे जाना चाहिए, पर कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर अपने चुप्पी साधे हुए है, कोई बोल के राजी नहीं है।